बाल धोने से 20 मिनट पहले ये वाला हेयर पैक लगा लो, आपके बालों की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। एंड अगर आपके बाल बहुत ज्यादा पतले हो गए हैं, चोटी बहुत पतली दिखती है, तो ये वाला हेयर पैक लगाना तो बनता ही है, क्योंकि इस वाले हेयर पैक में इतनी ताकत है जो कि आपके बालों में एक नया वॉल्यूम ऐड करता है, आपके बालों को घना बनाता है, आपके स्काल्प को हेल्दी रखता है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा उलझते हैं, क्योंकि अगर बाल उलझेंगे तो गिरेंगे भी, तो ये वाला हेयर पैक आप लगाइए, क्योंकि इस हेयर पैक को लगाने से आपके जो बाल है ना मैनेजेबल बनेंगे, आपका स्काल्प हेल्दी रहेगा, प्लस आपके बालों में एक शाइन आ जाएगी, आपके बाल हेल्दी बनेंगे और उनमें वॉल्यूम आ जाएगा। मीन्स ये परफेक्ट पैक है आपके बालों के लिए, चाहे समस्या कोई भी हो पर समाधान यही है। तो इस हेयर पैक को बस आपको हेयर वॉश करने से 20 मिनट पहले लगा लेना है और बहुत ही आसानी से बन जाएगा ये वाला हेयर पैक। सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट आपको चाहिए जो कि आपकी किचन में अवेलेबल होंगे। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है प्राक्षी और आप देख रहे हैं प्राक्षी वर्सेटाइल यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके यूट्यूब फैमिली का एक हिस्सा बन जाइए, सो दैट जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ आप तक अपडेट सबसे पहले पहुँचे। फ्रेंड्स, इस हेयर मास्क का फर्स्ट इन्ग्रीडियंट है दही और कर्ड। फ्रेंड्स, बोला जाता है कि अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा डल और फ्रिजी हैं तो आप इनको सॉफ्ट बना सकते हो दही की हेल्प से। तभी आपने देखा होगा कि हमारी जो दादी नानी है दही से बाल धोती थी और उनके बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहते थे, चमकते रहते थे और लंबे रहते थे। फ्रेंड्स, दही में प्रोटीन होता है और आपको तो पता ही है कि हमारे जो बाल होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, तो जब आप दही को अपने बालों में लगाते हो तो आपको प्रॉपर प्रोटीन मिलता है। एंड दही के फायदे इतने हैं, मैं गिनवाते थक जाऊंगी आपको। इस हेयर मास्क का सेकंड इंग्रेडिएंट है सरसों का तेल, दैट इज मस्टर्ड ऑयल, और इसको किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, बरसों से हमारे बालों के लिए यूज होता आ रहा है। सरसों के तेल में मल्टीपल विटामिन पाए जाते हैं, जैसे कि विटामिन ए हो गया, डी हो गया, ई हो गया, जो कि ब्यूटीफुली आपके बालों पे काम करते हैं। प्लस इसमें मैग्नीशियम भी पाया जाता है जो कि आपके स्काल्प को हेल्दी रखता है, उसको हाइड्रेट रखता है, जिसकी वजह से हेयर ग्रोथ प्रमोट होती है। इस हेयर मास्क को बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। इसको बनाने के लिए आपको चाहिए 1 कप दही, दही अगर घर की है तो ज़्यादा ही अच्छा है, और दही के 5वें हिस्से का आपको चाहिए तेल। यस, फिर आपको क्या करना है, दही में सरसों के तेल को मिला देना है, उसके बाद अच्छे से मिक्स करना है। तेल है, थोड़ा टाइम लेगा मिक्स होने के लिए, तो आप कम से कम 5 मिनट तक इसको विप करते रहिए अच्छे से। दही और तेल जब मिक्स हो जाए तो आपका अमेजिंग हेयर मास्क तैयार है। इससे आपको इतने ब्यूटीफुल रिजल्ट मिलेंगे जो कि आपको बाजार के महंगे महंगे प्रोडक्ट भी नहीं दे पाएंगे। जब भी आप कोई हेयर मास्क लगाए तो थ्रोली अपने बालों को कॉम कर लीजिए, उसके बाद हेयर मास्क अप्लाई कीजिए। उससे क्या होता है ना, हेयर मास्क की एप्लीकेशन काफ़ी इजी हो जाती है, अदरवाइज बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आती है हेयर मास्क लगाने के लिए। अगर आपके बालों में पहले से ऑयल है तो भी आप इस हेयर मास्क को लगा सकते हैं, अगर आपके बालों में ऑयल नहीं है तो भी आप इस हेयर मास्क को लगा सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इस हेयर मास्क में ऑयल है। यहाँ पर मैंने अपने बालों को मिडल पार्टीशन में डिवाइड कर लिया है, तो आप इस हेयर मास्क को किसी ब्रश की हेल्प से भी लगा सकते हो या फिर आप अपनी फिंगर टिप से भी लगा सकते हो। पहले मैंने सोचा कि ब्रश से लगा लेती हूँ, बट अच्छे से लग नहीं पा रहा था, तो मैंने फिंगर्स की हेल्प से अच्छे से अपने हेयर स्टैंड लेके इसको इमल्सीफाई किया, जिससे कि ये पूरे बालों में लग जाए। इसी तरीके से पहले एक सेक्शन पे लगाया, फिर दूसरे सेक्शन पे लगाया, फिर स्काल्प पे लगाकर अच्छे से मसाज की अराउंड 5 मिनट। इस हेयर मास्क को आप अपने बालों में कम से कम 20 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट रख सकते हो। 30 मिनट रखने के बाद आप अपने हेयर को वॉश कर सकते हो किसी भी माइल्ड शैम्पू से। पहले आपको क्या करना है, नॉर्मल हेयर वॉश करना है, जिससे कि तेल और दही अच्छे से निकल जाए। फिर भी तेल थोड़ा थोड़ा आपके बालों में रहेगा तो आप माइल्ड शैम्पू का यूज़ कर सकते हो हेयर को वॉश करने के लिए। आफ्टर हेयर वॉश आपको किसी भी टी शर्ट की हेल्प से इस तरीके से अपने बालों को सुखाना है, उनका एक्सेस वाटर निकालना है। एंड एक्सेस वाटर रिमूव करने के बाद आपको 2 से 3 घंटे अपने बालों को एयर ड्राई होने के लिए छोड़ देना है।
बाल सूख जाने के बाद आप कॉम कर सकते हैं अपने बालों में और आपको खुद ही लगेगा कि आपके जो बाल हैं बहुत ज़्यादा सिल्की स्मूथ शाइनी हो गए हैं एंड बिफोर एंड आफ्टर काफ़ी डिफरेंस आया है हेयर की क्वालिटी में। तो अगर आप इस हेयर मास्क को एवरी वीक बिफोर हेयर वॉश यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। जस्ट आपको क्या करना है, इस होम रेमेडी में बिलीव रखना है, आपको सोचना है कि हाँ इस होम रेमेडी से मुझे पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, तो डेफिनेटली आपको इस होम रेमेडी से पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। एंड ओवर द टाइम पीरियड आफ्टर वन मंथ आप देखोगे कि आपकी हेयर लेंथ भी इंक्रीज हो रही है और बालों का वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। येस फ्रेंड, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आपको आज की वीडियो कैसी लगी जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, लव यू यूट्यूब फैमिली, बाय।